आर सोनी न्यूज खबर आप, आर सोनी न्यूज खबर आप। जनपद मैनपुरी के कुरवाली थाना क्षेत्र की पुलिस को एक मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने रेफ्टाइट स्पिरिट से भरा हुआ टैंकर पकड़ा है। टैंकर में 10,000 लीटर रेफ्टाइट स्पिरिट थी। पकड़ी गई स्पिरिट की कीमत तकरीबन 70 लाख रुपए बताई जा रही है। पंजाब से यह सप्लाई होने के लिए आई थी। स्पिरिट होली के त्योहारों को देखते हुए कच्ची शराब को बनाने के लिए ली जा ही रही थी। स्पिरिट के साथ साथ पुलिस ने एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है और 4 आरोपी मौके से हालांकि फरार हो गए। आर सोनी न्यूज संवाददाता संजय शर्मा की खास रिपोर्ट हम मैनपुरी से देखते हैं कि किस तरीके से ये स्पिरिट सप्लायर को पकड़ा गया है। यूपी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी होली से पहले मिली है। स्कूल की उसमें जो सामान उनकी पेटी रखी थी, हमसे बोले ये गाड़ी खड़ी कर ले, ये सुबह ड्राइवर ले जाए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम जिला इटावा। इटावा जी। ये लेके आए थे, जिस व्यक्ति को लेके आए थे उसको देखा नहीं था? नहीं 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 साहब, हमने नहीं देखा। ये जब तक ये पुलिस पहुँची वो लोग भाग चुके थे। लेकिन आपको तो जानकारी थी इसमें केमिकल लदा है? नहीं नहीं साहब, हमें बिल्कुल दे दी नहीं मालूम है क्या है। हम तो ये समझ रहे डीजल की गाड़ी है। ये आज रात की घटना है। एक टैंकर है जिसमें 10,000 लीटर रेक्टिफाई स्पिरिट लोड है, उसको एक स्कूल में अनलोड किया जा रहा था। सूचना पर पुलिस वहाँ मौके पहुँची तो एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। 4 लोग गिरफ्तार भाग गए हैं। इसके अलावा जो एक गाड़ी भी पकड़ी गई वैगनआर दिल्ली नंबर की, वो भी कब्जे में लिया गया है। ये करीब 70 लाख कीमत की ये रेक्टिफाई स्पिरिट है और इसको बताया जा रहा है कि होली के त्यौहार में इसको जो सप्लाई करने जा रहे थे। ये कौन लोग थे जो सर इसको लेके वहाँ, कहाँ से ये कहाँ से आया था? ये पंजाब से टैंकर आया हुआ है, क्योंकि ड्राइवर भी भाग गया है इसका, पकड़ने भी नहीं आया। और 4 लोग यहाँ के थे जो करावली क्षेत्र रहने वाले हैं, उनके नाम प्रकाश में आए हैं। उनसे जो हम पूछताछ करेंगे गिरफ्तार करके। इसका रिएक्शन क्या होता है, डिटेल बताइए। ये आप मान लीजिए काफ़ी प्योर ये ऐसे अल्कोहल है ये, और इसको यदि आप सही मात्रा में इसमें यदि पानी नहीं मिलाया जाएगा तो इसमें संभावना है कि इसमें जान भी जा सकती है।